ऑफिस में बहुत ज्यादा है तो okay. गाने में बहुत अच्छे चलता है. सबसे फेवरेट मेरा इसी दूर से आ रहा. हाय एवरीवन, आज हम रिव्यू करेंगे इस गाड़ी को. फ्रेम में नहीं दिखाई दे रही है, दिखाने वाला हूँ. धीरे धीरे राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ. ये गाड़ी आजकल वापस ट्रेंड में आ रही है. इनफैक्ट मैं कहूँ कि ये ब्रांड ही वापस ट्रेंड में आ रही है. एंड दिस कार इज गोना बी स्कोडा स्लाविया 1 लीटर टर्बो इंजन. अब सेडान्स के मामले में वरना होंडा सिटी के बाद अगर वापस आजकल गाड़ियां ट्रेंड में आ रही हैं तो वो आ रही हैं फोक्सवैगन वर्टस एंड स्कोडा स्लाविया. इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे. दिस इज़ 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन 999 cc. अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे तो इस गाड़ी के हुड के नीचे जो इंजन है, जैसे मैंने बताया 999 cc, ये प्रोड्यूस करता है अराउंड 113 bhp, 113 bhp, 178 Nm ऑफ टॉर्क, टर्बोचार्ज्ड ऑब्वियसली. एंड ये DSG ट्रांसमिशन के साथ ही है, यानी कि ऑटोमेटिक. एंड लाइट्स का आई एम नॉट श्योर, अभी LED में है, LED में फोग लैम्प है. ओनर से कंफर्म करके मैं डाल दूंगा, शायद ही मॉडिफाइड है क्योंकि ये रिफ्लेक्टर बेस्ड है तो हेलोजन में आती है. और यहाँ पे इंडिकेटर है, ऐसे कुछ ग्रिल है गाड़ी की और नंबर प्लेट. चलो यहाँ पे फोग लैम्प हो गया. अब गाड़ी के बारे में देखो, स्कोडा का यहाँ पे बैजिंग है. टायर सेक्शन इज 205/55 R16 और अभी इसमें सीएट के टायर्स है, सिंगल टोन अपने एलॉय व्हील्स गाड़ी में. एंड अभी ये सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक्स के साथ है. यहाँ पे भी इंडिकेटर है. और गाड़ी के पीछे जाओगे और ये चीज़ अगर देखोगे ना, बहुत शार्प एजेज हैं गाड़ी में. क्या स्लीक डिज़ाइन है, वर्टस का लगा लो, स्कोडा स्लाविया का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है. 3 पार्किंग सेंसर आते हैं, स्लाविया यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कोडा लिखा है. ये अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा, वाइपर नहीं आते हैं सेडान में. और डिफोगर अपना एंटीना. बूट के बारे में बात करते हैं. आई थिंक दिस इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि 521 लीटर, जैसा मैंने सुना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस देती है. देख रहे हो कितना ज़्यादा. चलो विल टॉक अबाउट द स्पेटर. अब ये 1 इंच छोटा है, अपोलो का है, 195. एंड अगर मैं प्रिसाइज बात करूँ तो 65 R15, 1 इंच छोटा है. डोनट व्हील हम इसे कह सकते हैं. और यहाँ पे ये एक यहाँ पे स्पेस है इसको नीचे लाने के लिए. तो ऐसी है कुछ गाड़ी. साइड से साइड प्रोफाइल देख लो अच्छे से. मुझे एक गाड़ी के डिज़ाइन बहुत शार्प है, जिस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है. और गाड़ी का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, दैट इज़ 45 लीटर्स. और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, दैट इज़ 179 mm. बाकी सेडान लगभग 170 mm पर सिमट जाती है, इसका 179 है, 180 mm के नज़दीक मान लो. चलो अब इंजन पे दिखाता हूँ. ओके, एकदम नीट एंड क्लीन इंजन पे है. कहीं कोई पार्ट, जैसे हमने थोड़े दिन पहले जो फोक्सवैगन टाइगून है उसका रिव्यू किया था, एकदम वैसे ही है. वैसे भी सारे लगभग सेम ही गाड़ियाँ हैं. बहुत अच्छा दिखाई देता है, नीट एंड क्लीन, सारे ब्लैक पार्ट्स से कवर्ड, तो इट्स रियली गुड. और गाड़ी की चाबी मैं आपको दिखाता हूँ. ऐसी कुछ चाबी है, लॉक अनलॉक एंड बूट को अनलॉक करने के लिए. और मैनुअल की यहीं आपको फ्लिप टाइप मिल जाती है. चलो अब गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं, लेट्स सी गाड़ी चलने में कैसी है. यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर है और ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है. ये एकदम ब्लैक नहीं है, समवॉट ब्लैक और ग्रे के बीच का है. यहाँ पे ये एक बोतल होल्डर है, स्पीकर और अपना ऑल 4 पावर विंडोज़. ये पियानो ब्लैक और ये टेक्सचर काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग है आगे. और स्टीयरिंग देख रहे हो क्या खूबसूरत चीज़ है एकदम. इंटीरियर अभी इसमें बेज कलर के सीट्स हैं, कवर शायद लगवाए हुए हैं, तो हम बैठ के इंटीरियर के बारे में, गाड़ी के बारे में बात करेंगे. चलो अब इंटीरियर स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करेंगे. बहुत अच्छी ग्रिप है. यहाँ पे थंब ग्रिप के लिए अलग अलग डिज़ाइन, मतलब यहाँ पे सब बना हुआ है. बहुत अच्छी ग्रिप है. मैंने अभी थोड़ी सी गाड़ी चला के देखी है. ये इसमें रोटरी डायल है और इसमें आपके म्यूज़िक के कंट्रोल्स के लिए, वो सब इधर लेफ्ट में है. क्रूज़ कंट्रोल राइट में है. टाइगून में से थोड़ा उल्टा था, उसका क्रूज़ इधर था. और जो म्यूज़िक कंट्रोल्स थे कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट के लिए, वो सारे इधर थे. गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स हैं, इनका भी यूज़ करेंगे. एंड लाइक अदर जर्मन कार्स, इसमें लाइट्स का इधर है, वाइपर का इधर. और जो प्रॉपर लाइट ऑन करेंगे वो यहाँ से करेंगे. एक बार अपना जो है लो बीम, मतलब अपना खाली अगर वो आपको जलाना है पार्किंग, या अपना लो बीम इसको फोग लैम्प, और अगर हाई बीम करना है तो इसको आगे कर देना, फिर से करोगे तो ऑफ हो जाएगा. ठीक है, अभी लाइट्स ऑफ. हेडलाइट बीम लेवलर, ये थोड़ा सा ब्राउन है, देखो थोड़ा अलग है. मीटर को ऑन करते हैं. यहाँ पे जो पुश बटन का फीचर है वो गाड़ी में यहाँ पर है, तो मीटर अभी ऑन हो जाएगा. गाने ऑफ करते हैं. ठीक है, और ये गाड़ी का टच स्क्रीन, ज़्यादा कुछ आपको धूप की वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा. और ये अपने एसी वेंट्स, बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर है. यहाँ पे जो है थोड़ा सा बस जो गैप है, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे, मैं अगर थोड़ा सा फोकस करूँ, यहाँ पे एकदम नीटली फिटेड है. यहाँ के थोड़ा गैप हो गया है, फिर यहाँ फिटेड है, तो बस गैप इवन है लेकिन गैप है.
ये हजार्ड लैम्प, और ये आपका थोड़ा सा टेक्सचर है, दाने हैं इसमें यहाँ पे, और पियानो ब्लैक ग्लव बॉक्स देखते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ कूल्ड वन, स्टिल देख लेते हैं। नहीं, ये कूल्ड नहीं है। और मुझे ये जो राउंड इस इवेंट से बहुत अच्छे लगते हैं गाड़ी में, ये डिफॉगिंग के लिए, साइड वेंट्स विंडो के लिए, और यहाँ ऊपर लाइट या फिर मिरर कुछ भी नहीं है। ये आपका सनग्लास होल्डर, ये आप लाइट्स ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, ठीक है, डोर पे करना हो तो बीच में। इधर खाली मिरर है, लाइट नहीं है, और अपना हैंडल्स एंड एवरीथिंग सेम यहाँ पे। और दो टाइप सी पोर्ट यहाँ भी हैं गाड़ी में, यहाँ पे सामान रखने के लिए स्पेस है। अब ये यहाँ पे ट्रांसमिशन, ये माना जाता है कि स्कोडा फोक्सवैगन के DSG क्विक बहुत होते हैं, क्रिस्प हैं, रिलायबल नहीं है, इनके लाइफ स्पैन कम है, ऐसा माना जाता है। ये आपको न्यूट्रल में अगर लॉक करना हो तो, और ये आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप अगर ऑफ करना हो तो, और यहाँ पे एयर गियर, मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो AC, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर है, और आपका हैंड ब्रेक, दो कप होल्डर, और ये स्लाइडेबल फीचर के साथ। अगर हैंड ब्रेक आपने लगाया और फिर अगर करोगे तो उंगली बीच में फंस सकती है, तो मेक श्योर अगर आपका हैंड ब्रेक ऊपर है तो इसे आप स्लाइड वाला यहाँ से ना करें, यहाँ से कर लें, ठीक है। इसको खोल के यहाँ पे स्पेस है, और ये हेड रेस्टेंट्स। चलो अब गाड़ी के बारे में पीछे जाकर बात करते हैं। अभी ये सीट मैंने एकदम आगे सेट कर दी है, यहाँ पे AC वेंट्स हैं, और इनका फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड नहीं कर सकते। दो टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे, और ऐसा कुछ है, स्पेस अपने हिसाब से देखना। देखो यार, सबका अपना अपना बॉडी होता है, अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन रहता है। और क्वार्टर पैनल में ग्लास है, इसका भी इन्होंने जो कर्टेन है छोटा लगाया हुआ है, लाइक दीज विंडोज़, और यहाँ भी लाइट है ऊपर, इनको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, अभी तो डोर के ऊपर है। और तीन हेड रेस्टेंट्स हैं, तीनों एडजस्टेबल हैं, सेंटर में आर्मरेस्ट है, इसके अंदर दो कप होल्डर हैं, ये ढंग से हाँ अब फिट हुआ है, फिटेड नहीं था। चलो अब गाड़ी को चलाते हैं। जितना मैं पीछे से देख पा रहा हूँ, सीट की विड्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे जैसा लीन बैठ पाएगा वैसे नहीं बैठ पाएंगे, और इतना ही कुछ है। चलो अब ड्राइव करते हैं। वैसे मैं आई एम नॉट समवन हु इज़ इनटू सेडान्स, आई लव SUVs, लेकिन सेडान का कंफर्ट बहुत ज़्यादा होता है, एंड एरोडायनामिक पर्पस की वजह से गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब मुझे इसका स्टेयरिंग बहुत लाइट लग रहा है, जितना मैंने यहाँ तक गाड़ी चलाई है, इट फील्स अमेजिंग। मुझे ग्रिप बहुत अच्छी लगी इसका, मतलब ओवरऑल जो डायमीटर है ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी देर ऑटोमेटिक में चलाऊंगा एंड देन विद पेडल शिफ्टर्स, स्पोर्ट्स मोड में अभी कर लेता हूँ मैं, मुझे फिर ध्यान नहीं रहता। BHP 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ब्रेक्स आर अमेजिंग जितना मैं अभी तक देख पाया हूँ। एक चीज बता देता हूँ, फोक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियां रखना सबके बस की बात नहीं है, ये वही लोग रखते हैं जिनको क्वालिटी पसंद है और जेब में मोटा पैसा है। इनको अगर पेट्रोल नहीं पिलाया तो ये आपका खून पी जाएंगी, गाड़ी के मजे लो वरना ये तुम्हारे मजे ले लेंगी, ठीक है। ये मैं बहुत मतलब एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, हर किसी के बस की बात नहीं है एक स्कोडा फोक्सवैगन या मैं कह लूँ कि एक जर्मन गाड़ी को मेंटेन करना, दिस इज फॉर क्लासी पीपल। मैंने सीट एकदम नीचे सेट की हुई है ताकि आपको ये वाला व्यू जो है वो अच्छा मिले, अगर मैं सीट ऊपर कर दूंगा तो आपको ये वाला व्यू नहीं मिलेगा। इट फील्स ग्रेट यार। देखो सेडान्स में बोनेट तो दिखते नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ, तो विजिबिलिटी मुझे तो कोई इश्यूज होते नहीं है क्योंकि वी आर ट्रेन टू ड्राइव एनी कार। ऐसा नहीं बोनेट नहीं दिख रहा तो वी कांट ड्राइव, नो इट्स नॉट लाइक दैट। और सस्पेंशन अभी तक जितना देख पाया हूँ ठीक है, और मैं हार्ड एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप जो एक इनिशियल आवाज़ सुन रहे हो ना वो इसके टर्बो की है, तो ये ना समझे कि गाड़ी आवाज़ ज़्यादा कर रही है, गाड़ी नहीं कर रही है। गाड़ी में रोड नॉइज़, इफ़ यू टॉक अबाउट NVH लेवल्स, रोड की साउंड आपको नहीं आएगी। रोड नॉइज़ से मेरा मतलब है कि टायर्स की वजह से जो नॉइज़ क्रिएट हुई है, वैसे वो रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है ठीक है, लेकिन विंड नॉइज़, इंजन नॉइज़ कुछ भी नहीं है। सस्पेंशन देख लेते हैं, चलो ख़राब रास्ते में। सस्पेंशन इज गुड, वैसे भी सेडान्स कंफर्ट के लिए बनाई गई है, या मैं कह दूं कि ये उनका बाय डिफॉल्ट एडवांटेज है। चलो अब मैनुअल मोड में लेते हैं।
अगला शिफ्ट हो जाता है अगर एकदम हार्ड ड्राइव कर देते हो तो, स्पीड एक्सीडेड। ब्रेक्स अच्छे हैं, मैं खींच कर मार कर देखूंगा, लेकिन अभी क्या है कि कुशंस रखे हुए हैं पार्सल ट्रे पे, तो एक बार उतर के उनको हटाऊंगा एंड देन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैं ब्रेक टेस्ट गाड़ी का कर पाऊँ। चलो एक बार फिर से सस्पेंशन, थोड़ा सा अंदर नॉइज जो है गाड़ी के अंदर ट्रांसमिट हो रही है, ये जो ब्रेकर की मैं बता रहा हूँ, मान लो गड्ढे की वजह से। थोड़ा सा तेज लूँ, ये वाली जो आवाज़ है थोड़ा सा प्लास्टिक की यहाँ पे आवाज़ है। एक बार मैं रुक के यहाँ पे और पार्सल ट्रे से वो हटा देता हूँ। काफ़ी बार जो साउंड होती है ना वो आपकी गाड़ी के जो नंबर प्लेट वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ पे एस, यहाँ पे आ गया अभी डी, अभी एस, स्पोर्ट्स मोड में एंड दैट टू इन मैनुअल। ठीक है, इट्स रियली क्विक, ना नॉइज करती है ज्यादा। इंस्टेंट जो है मैनुअल में आपको बूस्ट मिलता है पावर का क्योंकि मैनुअल मोड में चला रहे हैं। अब थोड़ा सा विंड नॉइज अंदर आने लगी है जब मैंने स्पीड क्रॉस करी है, मैं स्पीड नहीं देख पाया, पता नहीं 110 और 20 थी, थोड़ी बहुत बिल्कुल हल्की नॉइज आई थी अंदर, तो यहाँ पे आई थी फर फर का हल्का से मुझे सुनाई दिया। गाड़ी का ये जो डैशबोर्ड है ना फ्लैट एंड बहुत लेंदी, ऐसा गाड़ी दिखाई, ऐसा फील होगा गाड़ी बहुत लंबी है, बहुत स्लीक है, लंबी चौड़ी गाड़ी चला रहे हो, सो इट गिव्स यू दैट फील। देखने यार ब्रेजा के टायर कितने चौड़े लगवा रखे हैं, इट मस्ट बी एटलीस्ट 235, लग तो अच्छी रही है। नहीं इतनी भी नहीं लग रही है, साउंड गजब, इट क्रिएट्स अमेजिंग साउंड, एग्जॉस्ट नॉट बहुत ही अच्छी है गाड़ी की, स्टेयरिंग की जो ग्रिप है दैट इज ऑल्सो गुड, जर्मन कार्स का मजा तो है, डैशबोर्ड बहुत अच्छा है इसका। वैसे फोक्सवैगन से मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक क्वालिटी फोक्सवैगन की थोड़ी सी बेटर है, स्कोडा की थोड़ी सी कम है। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद फोक्सवैगन, लेकिन ऑब्जर्वेशन थी जस्ट मेरी, तो मैंने बताया। मिरर का साइज इज गुड, मतलब मैं कहूँगा कि ठीक है। यहाँ थोड़ा लेके चलते हैं, यहाँ पे इट फेल्ट गुड बाय द वे। वैसे सस्पेंशन सही है, बस वो थोड़ा साउंड मेरे ख्याल से या तो नंबर प्लेट की थी। ब्रेक्स भी अच्छे हैं, खींच के चलो, मैं मौका ढूंढ रहा हूँ कि मिल जाए। जब एकदम ब्रेक आप स्लो करके जब एकदम पुश करते हो ना एक्सेलेटर पैडल को, ऐसा लग रहा है गाड़ी एकदम आगे से उठ गई, जैसे डॉम टोरेटो नहीं उठा देता था फास्ट एंड फ्यूरियस में, काइंड ऑफ। चलो यहाँ पे गाड़ी घुमाएंगे, कंफर्ट है, मतलब सीट से एकदम चिपके हुए तो रहते हो ना, स्किड के कोई चांसेस है नथिंग। मैं तो कह रहा हूं देखो अगर कोई क्वालिटी फ्रीक है अफोर्ड कर पा रहा है गो फॉर जर्मन कार्स, इनको अगर ढंग से शुरू में अगर ढंग से चलाओगे, नहीं एक्सीडेंट कराओगे, आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का जो है इशू है वहां पे, तो आप गाड़ी तमीज से चलाओ, एक्सीडेंट मत करो, खुद से तो एटलीस्ट मत करो। तो अगर वो इश्यूज आपके पास नहीं है तो फिर आप गाड़ी मतलब चलाओ यार जर्मन कार्स। मैंने रिसेंटली टाइगुन चलाई, फिर ये चला, तो मेरा ना थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो रहा है टुवर्ड जर्मन कार्स। अगर जर्मन कार ले रहे हो तो देयर इज ओनली वन थिंग आई गेस, परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस ही सबको चाहिए। चलो आप देखेंगे, नो मोर डिले, स्कोडा स्लाविया 800।
बहुत बढ़िया है। ABS की भी साउंड नहीं है, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, और एकदम सीधी गाड़ी। अब आप कहोगे यार ABS है तो सीधी ही रुकती है, ऐसा नहीं है। कई बार टायर्स वहीं के वहीं है गाड़ी की पोजीशन में, लेकिन गाड़ी इधर उधर चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द टायर्स। लेकिन ये गाड़ी एकदम सही है। स्टेयरिंग रोटेशन भी देख लेते, चलो दैट इज़ द स्टैंडर्ड थिंग दैट आई डू। ऑटोमेटिक की वजह से जो हल्का सा लैग था उसकी वजह से रोटेशन ढंग से नहीं हो पाई, क्योंकि इट वॉज डिमांडिंग अ गियर चेंज। पब्लिक रोड होने की वजह से मैं ज्यादा वो स्टेबिलिटी भी अच्छी है। राइट साइड की साइड से आवाज थोड़ी सी ज्यादा है, वो शायद मुझे इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि मैं इसके नजदीक हूँ। कॉन्फिडेंस, क्या कमाल कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी। भगाओ, पुश करो, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू हेडेक टू इफ यू कांट कंट्रोल द कार। इट फील्स ग्रेट यार। सो वी विल वाइंड अप द वीडियो नाउ। गाड़ी बहुत प्रीमियम है, क्लासी है, और परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट लोगों के लिए गाड़ी बनाई गई है। इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन, राइट? पैसा है तो खर्च करो, गाड़ी ले आओ, बहुत अच्छी चलती है सेडान के मामले में। चलो अब करते हैं, दो डाउन करूं। तो चलो, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ड्राइविंग द कार एंड आई रियली एंजॉयड। थैंक्स टू प्रशांत एंड हिज ब्रदर हु प्रोवाइडेड मी दिस कार फॉर द ड्राइविंग रिव्यू। एंड लेट मी नो योर व्यूज अबाउट दिस कार। एंड मैंने टाइगुन के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो का लिंक भी जो है आपको ऊपर मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। खत्म, टाटा बाय बाय। सो वीडियो भी खत्म हो चुकी है और मेरे साथ बैठे हैं ऑडविक जो hey guys, कैसे हैं? बहुत क्यूट, इज रियली क्यूट। एंड प्रशांत ने बताया कि ही वॉचेज माई वीडियोज एंड ही इज माई फैन, सो लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑडविक। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट दिस कार। I like this car. This is so good and power भी इसमें बहुत ज्यादा है, तो गाने में बहुत अच्छे चलते हैं। भगाते हो? Do you drive? नहीं? No. You just feel it when your father is driving, right? Yes. ओके, तो आपके बारे में मैंने सुना कि आपको डांस करना पसंद है, म्यूजिक के शौकीन हो, तो बताओ यार कुछ अपने बारे में। हाँ, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, जो मेरे गाने फेवरेट हैं उसमें करता हूँ। ओके, कौन से सबसे फेवरेट कौन सा है? सबसे फेवरेट मेरा सिद्धू मूसेवाला है। सिद्धू मूसेवाला का कौन सा गाना? 295। ओ वाव, सो व्हेन ही डाइड व्हाट डिड यू फील? नाराज, उदास हो गए थे? नहीं हुए? नहीं, कुछ नहीं, नहीं बुरा नहीं लगा? व्हेन ही डाइड, उनकी डेथ हुई थी। हाँ, बुरा तो लगा था, डेथ। इट्स सो क्यूट। इन व्हिच स्टैंडर्ड यू स्टडी? फर्स्ट क्लास। ओके ग्रेट। ये भावी यूट्यूबर है, इनका भी यूट्यूब में इंटरेस्ट है, तो किस तरीके की वीडियोस बनाओगे? अभी तो मैं एडिटिंग करता नहीं हूँ, नॉर्मल बनाता हूँ। ओके, कौन से फोन? मैं सोच रहा ये कहेंगे कि अभी तो मैं वीडियोस नहीं बनाता, कर अभी मैं एडिटिंग नहीं करता। एडिटिंग टीम रखी है? नहीं अभी। अरे बहुत बहुत यार, बहुत ही क्लेवर लड़का है। चलो, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और ठीक है, कभी भी कोई भी चीज मुझसे पूछो, यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो गाइस अभी व्लॉग खत्म होता है। कुछ भी बोलो, ये मेरी लास्ट वीडियो है,
तो अभी एडिटिंग शूट तो नहीं करी, बस मैंने मम्मी के फोन पे शूट कर ली, एडिट नहीं करी, शूट कर ली। हाँ नहीं शूट नहीं करी। डांस की करते हो? हाँ डांस करता हूँ। अरे ग्रेट, तो मुझे कभी आपका अगर कोई वीडियो शूट एडिटिंग जब आप कर लो तो मुझे वीडियो देना, ठीक है? आई विल ड्रॉप दिस ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, ओके? चलो बाय बाय बोल दो सबको। बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैंने बोल ही दिया। चलो बाय गाइस, थैंक यू।